कैम छो मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम आए हैं पटेल ब्रदर्स में कुछ इंडियन वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज खरीदने के लिए। आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या है पटेल ब्रदर्स में। यहाँ पे रेनू बैंगन खरीदती हुई, आपको पटेल ब्रदर्स में हर तरह की इंडियन सब्जियाँ मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टिंडे है, कुछ अलग अलग तरह की बीन्स है, पापड़ी है, भिंडी है, गिसोड़ा है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में। और कच्चे आम भी है, करेले भी है। तो ओवरऑल आपको सब सब तरह की जो इंडिया की सब्जियां है वो सब यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए मूली भी है। और यहाँ पे बीट रूट, और स्प्रिंग अनियन, मेथी, पालक, धनिया। जब हम सब्जियाँ लेने आते हैं ना तो सबसे ज़्यादा सब्जी होती है भिंडी। रेनू की फेवरेट सब्जी है भिंडी। तो हम भिंडी को है ना चपाती और श्रीखंड के साथ खाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। ट्राई कीजिएगा आप भी। और यहाँ पे है जलेबी। $4.49 काफी महंगी है। यहाँ पे अलग अलग मिठाई रखी है। और यहाँ पे फ्रेश किचन भी है, तो लोग यहाँ पे बनाते हैं फ्रेश किचन में और फिर पैक करके आप बल्क में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन लोगों ने रोटी लगाई है। चाय पत्ती में क्या क्या ऑप्शन है? वाघ बकरी है, टाटा टी है, तपल है, और क्या दीप की है। बट आई थिंक हम लेंगे वाघ बकरी छोटा पैकेट ये वाला। पर गुजराती मोस्टली ये वाघ बकरी पीते हैं, मस्त रहती। वैसे हम चाय कम ही बनाते हैं, मोस्टली हम कॉफी पीते हैं। यहाँ पे पूरा नमकीन का सेक्शन है, तो आपके हर तरह के नमकीन मिल जाएंगे। ऐसे और मैं ढूंढ रहा हूँ भेल मिक्स। भेल मिक्स कहाँ पे होगा? गरपी गुजरात वाले किधर गए? यहाँ पे हल्दीराम के मोस्टली नमकीन है। और मैं ढूंढ रहा हूँ एक गरपी गुजरात का, ये रहा ये फेल मिक्स। हम घर पे फेल मिक्स रखते हैं, जब कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा हो, चटपटा खाना हो तो फटाफट बेल बना लेते हैं। और यहाँ पे गेहूं का आटा, और हमें चाहिए आशीर्वाद का। तो कौन सा है? ये सुजाता। और ये रहा आशीर्वाद। तो अभी रिसेंटली लास्ट 2 महीनों में आशीर्वाद के आटे की प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। तो ये पहले कभी मिला करता था $12-13 में, अभी सेम आटे की प्राइस है $23। घर पे राइस का स्टॉक भी कम हो गया तो हम राइस भी ले लेते हैं। कहाँ गया? और हम ये लेते हैं रॉयल बासमती, ये 20 पाउंड का प्राइस है $24। 20 पाउंड मतलब 9 kg। पता नहीं इंडिया में क्या प्राइस है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी हमने भिंडी ली है तो श्रीखंड तो बनता है, उसके बिना भिंडी की सब्जी मज़ा नहीं आता। तो हम ढूंढेंगे श्रीखंड, चलो। और हमें यहाँ पे श्रीखंड भी मिल गया। तो अपने पास दो ऑप्शंस है, एक है वाडीलाल का और एक है अमूल का, दोनों गुजराती ब्रांड है। लगता है अमूल का लेना पड़ेगा क्योंकि वाडीलाल कुछ ज़्यादा ही महंगा है, $7 का है और अमूल का $6 का है। कौन सा वाला ले? आलमंड पिस्ता चू ले लेते।
आलमंड पिस्ताचियो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे महंगा है सब, हम हैरिसबर्ग जाते हैं वहाँ पे ये हिस्ट्री कन करीब $5 में भी मिल जाता, तो फिलहाल एक ही लेते हैं, कुछ दिन में हमें वहाँ जाना ही है तो फिर वहाँ से ले लेंगे। और यहाँ पे समोसे भी है फ्रोजन, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, इंडिया की याद नहीं आएगी। हमारी शॉपिंग हो गई है, हम लिए है आटा, राइस, बाग बकरी चाय, गरबी गुजराती बेल मिक्स, बैंगन, भिंडी और ये मैगी के मसाला पैकेट्स और भिंडी की सब्जी के साथ खाने के लिए अमूल श्रीखंड, यम्मी है। तो चलो अभी चेकआउट करेंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं। बड़ी सिटीज़ में रहने का यही फ़ायदा होता है कि आपको सब इंडियन ग्रोसरीज आराम से मिल जाती है और रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं। हालांकि ये पटेल ब्रदर्स हमें लगता है जो हैरिसबर्ग में बॉम्बे बाज़ार है उससे महंगा, तो हम कुछ दिन में जाने वाले बॉम्बे बाज़ार पर तो सोचा ही ना ज़्यादा शॉपिंग ना करें, थोड़ी जो अभी अर्जेंट ज़रूरत है उसका ही अभी शॉपिंग करें। हमारे टाउन में जो स्टेट कॉलेज में है वहाँ पे कोई अच्छा इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स नहीं है। एक इंटरनेशनल मार्केट है बट उसमें वही दाल वगैरह सब मिल जाती है, बस सब्जियाँ तो नहीं मिलती हैं। और वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम है वो भी थोड़े ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ही हो गए। तो बड़ी सिटीज़ में रहने का ये फ़ायदा है। आज का हमारा बिल करीब $87 का हुआ और इसमें हमें जो श्रीखंड लिया था उसके दो बार चार्ज किए, तो हमें $6 का घाटा हुआ। लेकिन हमें तभी रियलाइज़ नहीं हुआ जब हम गाड़ी में निकल गए थे, तब जब बिल देखा तब पता चला कि $6 एक्स्ट्रा उन लोगों ने लगाए। तो अगर आप ग्रोसरी करते तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि डबल चार्ज ना हो जाए। हमारी शॉपिंग हो गई है, करीब करीब $90 का बिल हो गया खाली इतनी चीज़ों में। पता नहीं ये महंगाई कहाँ लेके जाएगी हमें। बस तो सकते इतना ही इस वीडियो में। तो आपने देखा पटेल ब्रदर्स का क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। वैसे आपने नाम तो सुना ही होगा पटेल ब्रदर्स का, ऑलमोस्ट हर कोई US में जानता ही है पटेल ब्रदर्स को, भले विजिट ना किया हो। तो चलो रखते इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरबी गुजरात।